एलएसी पर यूनिलैटरल चेंजेस करने की कोशिश की गई है और ये मंजूर नहीं है। ये ऐसा किया क्यों गया राजन साहब? और दूसरी बात, क्या यहां पर रूस में कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिसके बाद ईरान की यात्रा आवश्यक लगने लगी? जहां तक ईरान की बात है तो मैं बता दूं कि ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी चाबहार पोर्ट पे कुछ इशू ये आए थे कि चाबहार में हमने 500 मिलियन का पोर्ट वहां पर बनाया है। उसके बाद कुछ दिन पहले, मैं एक डेढ़ महीने पहले की बात है कि यह न्यूज आया था कि ईरान ने भारत के साथ जो एक रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट वहां पे था, जो कि ईरान चाबहार से अफगानिस्तान को कनेक्ट कर रहा था, उसको उसने कैंसिल कर दिया था। इंडिया ने बाद में बताया था कि चूंकि जो जो उसके लिए चाहिए मटेरियल वो सैंक्शन नहीं सर, लेकिन ये तो पहले से चली आ रही बातें हैं। क्या इस दौरान जो आइटनरी में नहीं है उसको शामिल करके ये सरप्राइज विजिट, इसके कुछ मायने हैं क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइटनरी का पार्ट ये नहीं था, लेकिन ये दर्शाता है कि भारत कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है कि ईरान हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है।